आरएएस अधिकारी दिवंगत प्रियंका बिश्नोई के निधन से जुड़ा मामला जोधपुर की जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्शन में सरकार आई। जोधपुर की रिपोर्ट के बाद अब होगी पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच। मेडिकल एजुकेशन आयुक्त इकबाल खान ने जारी किया आदेश, 5 डॉक्टरों को इस उच्च स्तरीय जांच में शामिल किया गया है। जयपुर के SMS अस्पताल के 3 डॉक्टरों को शामिल किया गया, एम्स जोधपुर के 2 डॉक्टरों को शामिल किया गया। SMS के न्यूरोसर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अशोक गुप्ता को शामिल किया गया। SMS अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर RK पूरिया को शामिल किया गया। SMS के रेडियोलॉजी विभाग की सीनियर प्रोफेसर अनु भंडारी को शामिल किया गया। एम्स जोधपुर की गायनी विभाग की HOD डॉक्टर प्रतिभा सिंह को शामिल किया गया। एम्स जोधपुर के एनेस्थीसिया विभाग के हेड प्रदीप भाटिया को भी इसमें शामिल किया गया है। तो 5 डॉक्टरों को उच्च स्तरीय जांच में शामिल किया गया है। अधिक जानकारी देने के लिए रेजिडेंट एडिटर जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, जब 5 उच्च स्तरीय कमेटी की बात आई है डॉक्टरों की, जो अब आगे इस पूरे केस की जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी, इसमें अब जोधपुर के एम्स के डॉक्टरों का नाम भी आया, बताइएगा कौन कौन से वो डॉक्टर्स हैं और किन विभागों को फिलहाल संभाल रहे हैं? देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार एक्शन में है। जोधपुर की जो टीम ने जांच कर ली, उसकी जांच रिपोर्ट सामने आ गई। उस रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को लगता है कि इसकी और गहनता से जांच, गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और लिहाजा जो टीम गठित की गई, जो डॉक्टर इकबाल खान है उन्होंने टीम गठित की है, उसमें अगर जोधपुर के 2 डॉक्टर की बात करें तो एम्स जोधपुर के जो गायनी विभाग की HOD डॉक्टर प्रतिभा सिंह को शामिल किया गया है, और एनएसपीसी विभाग के जो हेड प्रदीप भाटिया उनको शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर थोड़ी देर पहले ही बिश्नोई समाज का एक प्रतिनिधिमंडल कार्यालय पहुंचा है और अपनी ओर से रिपोर्ट सौंपी है और आवश्यक मुकदमा दर्ज करने के लिए भी आग्रह किया। पुलिस उच्च अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है और ऐसे में समझा जा सकता है कि चाहे समाज सेवी, अगर उप जिला प्रमुख की बात करें विक्रम बिश्नोई है, भागीरथ केजरीवाल है, राजू राम है, ये तमाम जो लोग महेंद्र बिश्नोई अभी मिले हैं, बातचीत की है और किस आधार पर मुकदमा दर्ज होगा, उस पहले जांच होगी, कई सारे पहलू हैं। लेकिन कल टीम जोधपुर, जयपुर से जोधपुर पहुंचेगी और 5 सदस्य मिलकर किसकी पड़ताल करेंगे कि आखिर कोई लेकुना रहा है या नहीं, किसकी गलती रही है, कितनी गलती रही है। प्रियंका बिश्नोई के बाद सहायक कलेक्टर के रूप में सेवारत थी, आम मरीज क्या सोचता है, सच्चाई क्या है, क्या डॉक्टरों के बिहाफ पे को गलती हुई है या किस तरीके से जो पहलू है, जो जांच के पहलू है, उन पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।